तो आज स्टार्ट होने वाला है लापता सैंपी का सीजन 4। तो चलो स्टार्ट करते हैं और लाइक का बटन दबाओ। तो यहाँ पे अभी आप जितने भी लोगों को देख पा रहे हो ये सारे रहने वाले हैं लापता सैंपी के सीजन 4 पे। तो सबसे पहले हमने एक साथ खड़े होकर राष्ट्रगान गाया, उस दिन 15 अगस्त भी था। और उसके बाद ओके रुक जाओ, अभी पाकिस्तान का भी राष्ट्रगान लगाओ। तो ये वाले शब्द मैंने इसलिए कहे क्योंकि आरटीओ गेमर पाकिस्तान से हैं और दोनों कंट्री का लगाएंगे और उनका भी पिछले दिन इंडिपेंडेंस डे था, तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अभी जल्दी से स्टार्ट करते हैं लापता सैंपी का सीजन 4। तो स्टार्ट होता है अब। ओके, तो सबसे पहला रूल ये था कि यहाँ पे किसी भी बंदे को 15 मिनट तक नहीं मारना है, उसको मौका देना है, टाइम देना है, उसके बाद बहुत कुछ होने वाला था। और ये मारना ही क्यों है मैं आपको समझा देता हूँ। मारने का एक बहुत बड़ा रीजन है जो कि है लाइफ स्टील। तो इसमें लाइफ स्टील का प्लगइन डाला है, अगर आप किसी प्लेयर को मारोगे तो उसका जो हर्ट है वो आपको मिल जाएगा। और इसी तरह से लोग चाहते हैं कि उनके पास बहुत ज्यादा हर्ट हो जाए। वैसे अलग अलग मत जाओ गाइस, हमारे साथ रहो। मुझे एंथम के टाइम कुछ दिखा था, टीम के साथ खेलने के लिए ऐसे करना पड़ेगा। ऊपर जनरल में जिसको आना वो बाद में। शिट शिट शिट। ओके दीपू भाई हेलो, साथ में करेंगे काम? कर लेते हैं, वो लोग को खुद का देख लिया है तो। आ जाओ तो मेरे साथ आ जाओ, जल्दी से पेड़ तोड़ो, आ जाओ। ओके, तो दीपू भाई ने यहाँ पे काफी अच्छा किया ऑफर मान के, वरना मैं उन्हें मार देता। दीपू भाई पीछे 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 आ जाओ, ये देखो दिखा नहीं। अरे दीपू भाई ये देखो, भागो भागो, जल्दी आ जाओ यहाँ से, इसे इन्हें उठा लो। अरे यार रात के टाइम को स्टार्ट हुआ ये गलत है। रात को ऐसे स्टार्ट ये लो, मुझे मत मार देना, मैं कह रहा हूँ दीपू भाई देख रहे हो? नहीं, पक्का ना? अरे वो लोग भी तो डिफरेंट टीम में गए हैं। आप आगे चलो, मैं पीछे चलता हूँ। तो अगर आप भी किसी एसएमपी में और आप चाहते हो कि आपका भी कोई हर्ट ना ले सके तो किसी पे विश्वास मत करो, पहला रूल। दिन में होता तो सही था, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। मरेंगे लोग, अभी तक कोई मरा नहीं है यार, अनबिलीवेबल। 15 मिनट हुआ नहीं अभी तक। शिट मैन, वैसे ज़ॉम्बी क्या हो? दीपू मेरा लैग हो गया। ओ डूड, सर्वर में लैग मारा। आपके पास सामने विलेज है, सामने विलेज है, जल्दी आ जाओ दीपू। विलेज की तरफ आक्रमण। चलो चलो, आया क्या यहाँ पे कोई? क्या लग रहा है? मुझे लगता है रुइन पोर्टल। क्रीपर भी है रास्ते में, साइड से आना। ये लो दीपू भाई, यहाँ पे थोड़ा सामान है। क्रीपर आ रहा है, भागो। कुछ नहीं बच गया। कितने हट है? ब्लॉक के ऊपर। हाँ डैमेज नहीं हुआ, ब्लॉक के ऊपर था ना। आ जाओ जल्दी आ जाओ। इधर कोई दूसरा ना आ जाए वही दिक्कत है। आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ जल्दी, हमारे पास ऐसे भी ज्यादा रिसोर्सेज हैं। खाना ले लो, आप खाना लूटो। ओपी हेलो ट्रेडी, किसके साथ है? हेलो सॉरी मेरा माइक म्यूट था। हां तो मैं कह रहा हूं, क्या बोलते हैं, आप हमें ज्वाइन करना चाहते हो क्या? ओके, तो अभी मेरी टीम और ज्यादा स्ट्रांग होने वाली थी क्योंकि एक और प्लेयर मिलने वाला था, तो मैं उन्हें बुला लेता हूँ जहाँ पे हम थे। ये लो, मैंने दिया आपको कुछ, पहला तोहफा मेरी तरफ से, शायद आखिरी भी हो सकता है, मैं कुछ नहीं कहूँगा। मेरे पे विश्वास नहीं करना, मैं पहले कह देता हूँ। डराओगे भाई? दी भाई सच्चाई कह रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है। अरे जल्दी बनाओ यार, ये आप पूछ रहे हो अभी। बन गया। हे वेल दी भाई, आप ले लो। गेमर आपने हमारा लिटरली विलेज में से ऐसे खाना चुराया, हम आपको छोड़े। दी भाई इनको छोड़ो, हार्ड हुआ था, काम पे ध्यान दो। तीन हार्ड पैसे घूपड़े थे रात को, छुप गए हम गेम के। वही आ जाओ दी भाई, अंदर आ जाओ। ओके, तो अभी बातों से मुझे और आपको भी पता लग ही चुका होगा कि आरटीओ गेमर और स्टीबी एक साथ हैं और पीएसडी भाई और मिस्टर लेपिस भी एक साथ हैं और सेनपाई भाई अकेले हैं, ट्रेडी अकेला है, मैं दीपू भाई के साथ हूँ। कहाँ पे हो ट्रेडी? मैं विलेज पे हूँ। ओ दिखते दीपू भाई, आ जाओ हमारे पास आ जाओ। आप किधर हो? आपके पास क्या क्या सामान है? मेरे पास कोल है और रॉ आयरन दो ही है और लेदर का रो आयरन स्किल बना सकते हैं। स्किल बना लो एक। अरे व्हाट ट्रेडी
बेचारा बहुत ज्यादा भोला है, वो मेरे पे विश्वास कर बैठा और अभी लेकिन उसे बात पता चल गई होगी। जितना भी बोले तुम्हारा मन, डोंट बिलीव एनीवन। इफ यू आर सेन बाय रेडी ओपी यार मेरे को ओपी ट्रेडी ट्रेडी खतरनाक लॉल ट्रेडी आपने कैसे मार दिया उनको भाई ट्रेडी यू आर ग्रेट भाई, इतना सारा सामान मिल गया, लेट्स गो ट्रेडी। मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा फ्री की, निकलो वहां से अभी, जल्दी से जल्दी निकलो, उनके साथ आरटीओ गेमर है। ओके तो उसके बाद यहाँ पे भाई बिल्कुल इक्वल हो चुका था मेरे और दिव्य के सेम सेम हर्ट, और ट्रेडी को भी उसका हर्ट वापस मिल चुका था स्टीवी से। और उसके बाद उसका दिया गया ट्रेजर मैप लेके हम चले आते हैं ट्रेजर पे, क्योंकि ट्रेजर पे आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिल सकती है। अगर आप भी किसी एसएमपी में हो तो जरूर जाना भाई, बहुत कुछ मिल सकता है स्टार्टिंग में ही। यहीं पे है, वाओ बहुत ज्यादा करीब थे। अरे 99 पे होता है, 99 पे 99 मतलब उधर एक चंक नंबर ऐसे करके कुछ होता है, देखो किधर जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे बता रहा है चंक नंबर, वो देखो ये देखो इस ब्लॉक पे होगा, ये देखो जाओ तो जाओ जाओ, ये देखो एक वाओ वाओ भाई वाओ। ओके तो अभी मैं घुसता क्योंकि दीपोई को लेने का कुछ तो फायदा हो रहा है भाई, और मुझे लगता है इतने टाइम तक कोई हमसे ज्यादा अमीर था क्योंकि चार डायमंड थे अपने पे और सब कुछ था अपने पे, लेकिन आर्मर नहीं था जिसे बनाने के लिए मैं केम में घुस जाता हूँ। तो आर्मर बनाने के बाद यहाँ पे लावा पुल मुझे दिखता है, तो मैं सोचता हूँ क्यों ना चलो नेदर में घूम के आते हैं यार, और ये मेरी काफी ज्यादा बड़ी गलती थी भाई। देख रहे हो एंट्री ही ऐसी है, तो आगे पता नहीं क्या होने वाला था। ओ डूड तो मैं मरते मरते बचा, और यहीं पे हो जाता है मेरा दी एंड। ऐसा सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मुझे नहीं पता मैं कैसे बचा लेकिन हाँ बच गया। तो उसके बाद मैं बहुत सारे डायमंड लेता हूँ और निकल जाता हूँ एक विलेज की तलाश में, जो कि थोड़ी देर में मुझे मिल भी जाता है। ओके रिवाइव बुक मिल गई मुझे और एक्स्ट्रा हर्ट। रिवाइव बुक किधर मिला? चेस्ट पे। ये चीज क्या? रिवाइव बुक गायब हो गई और एक्स्ट्रा हर्ट मुझे मिल गया। ओके सो मैं इतना शौक इसलिए था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला इस प्लगइन में, मेरे को लगा सिंपल होगा, लेकिन इसमें ऐसा भी था कि अगर हम चेस्टें खोलेंगे बहुत सारी तो किसी रैंडम चेस्ट में हमें हार्ट और बुक मिल सकती है, जो कि पता नहीं कैसा फीचर है, अच्छा या बुरा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन छोड़ो। उसके बाद मैं ब्लेज रॉड लेने के लिए और नेदर पॉट लेने के लिए नेदर में आता हूँ, और यहाँ पे मुझे ब्लेज रॉड मिल जाती है लेकिन मैं नेदर पॉट नहीं ले पाता क्योंकि खाने की कमी हो गई थी। ओके तो मैं नेदर में गया, इतना ज्यादा रिस्क लिया मैंने और मिला क्या मुझे? यस दीपुआई राइट, मुझे यही मिला क्योंकि हम पोशन बना ही नहीं सकते थे क्योंकि नेदर बॉट चाहिए था जो कि मैं लाके नहीं आया, इसलिए मुझे फिर से जाना पड़ता है नेदर बॉट लेने के लिए। और शिट नहीं 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 ये बीदर इफेक्ट कितना बेकार है। हां बच के वो बहुत बेकार होता है, अभी हमारे पास अच्छा आर्मर नहीं है। शिट 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 मैं चलता हूँ, दीपाई मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो चलो दीपाई जल्दी आओ, मैं मुझे अपना आर्मर दे दो, मुझे आप मत चलो, मुझे अपना आर्मर दे दो। किधर हो किधर हो किधर हो? अभी अभी हेलो क्या हुआ है गेमर? ऐसे ही कहते हैं, मजा आया मजा आया गाइस, अभी देख के बहुत ज्यादा मजा आया, क्या हुआ बहुत ज्यादा आप गेम में नहीं देखे, आप गेम में नहीं देखे भाई, इतना सेलिब्रेट हम तो नाच रहे इधर का खाना क्या हो क्या गया, सारा सामान गया, गेमर मर गया, मर गए मर गए, कैसे कैसे किसने मारा? विलेज से मतलब वो नेदर वाले विलेज, इधर कर दो भाई। अभी तो मैंने सोच लिया था चुन चुन के मारूंगा एक एक को, ये लोग कितने बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था उस टाइम, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा था कि छोड़ो। उसके बाद मैं सामान लेता हूँ, और एक और गलती है जो कि आपको नहीं करनी है, जो कि है मैं गया। आपको लालच में बिल्कुल नहीं पड़ना है, मैं सोच रहा था भाई फायर रेजिस्टेंस के पोर्शन बना दूंगा इसको मार के ले जाता हूँ, लेकिन सीधी बात है भाई इससे दूर रहो जितना हो सके। और हाँ यहाँ पे आप देख ही सकते हो एक टीममेट होने का कितना ज्यादा फायदा रहता है, अगर दीपवाई नहीं होते तो मैं यहाँ पे दूसरी बार आके नहीं मरता, लेकिन चलो कोई ना, फिर मैं तीसरी बार आता हूँ और यहाँ पे जितना भी सामान होता है मैं उठाता हूँ। हम दोनों का सामान बच चुका था लेकिन मैं नहीं बचा था, लेकिन छोड़ो जो भी हो। उसके बाद मेरे कुछ ऐसे शब्द थे निकल रहे थे मुझसे, ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है गाइस, इससे बच के रहे हमेशा प्लीज। नहीं नहीं ये उछलने वाला गुड्डा,
ओके तो अभी थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। तो कुछ दिन पहले क्या हुआ, मैं और दीपू भाई जा रहे थे और हमें किसी का सीक्रेट बेस मिलता है, शायद सीक्रेट ये पता नहीं, लेकिन हाँ एक घर मिलता है जो कि इनकम्प्लीट था और यहाँ पे चेस्टों में थोड़े बहुत डायमंड भी रखे हुए थे, लेकिन हम बिल्कुल भी सामान नहीं लेते हैं और ईमानदारी से वहाँ पे चले जाते हैं क्योंकि हमने सोचा कुछ दिनों बाद आएंगे तब थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा सामान। तो चलो भाई अभी यहाँ पे कुछ दिन हो चुके हैं तो चलते हैं उसके बेस पे, और मुझे कोऑर्डिनेट तो नहीं पता है लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा रास्ता याद है तो चलते हैं। चलो कैसी लगी मेरी रास्ता याद रखने की ट्रिक? दीप भाई चेक आउट दिस, ले लो ये आई थिंक रेयरेस्ट म्यूजिक डिस्क है। दीप भाई क्या मिला? एडवांसमेंट चेक इट आउट विलेजर खत्म कर। ओ नहीं 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 ये गलती मत करना यार। लोकल फैक्ट्री। ओ बट वो नहीं मिला जिसके। ओके तो ये विलेजर काफ़ी अच्छी अच्छी ट्रेड कर रहे थे और मुझे इनसे कुछ बुक्स चाहिए थी जो कि मुझे घर ले जानी थी, लेकिन फिर मैं थोड़ी देर सोचता हूँ बुक्स ले जाने से अच्छा क्यों ना विलेजर्स को ही ले जाया जाए, और जो मैं सोचता हूँ वो मैं कर भी देता हूँ। तो फटाफट से मैं विलेजर को बैठाता हूँ और ले आता हूँ अपने बेस पे, और अभी हम कह सकते हो आप लोग कि अभी हम बन चुके थे रिचेस्ट प्लेयर और स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर इस एसएमपी के। तो उसके बाद हम थोड़ा बहुत एक्सपेंड कर रहे थे अपने सीक्रेट बेस को भी, तो यहाँ पे हमने एन्चांटमेंट टेबल वगैरह छोटा मोटा खाने का फार्म वगैरह बना दिया था। और उसके बाद मैं देखता हूँ कि मेरे घर आ रहा है एक नन्ना परा, अगर मैं एक सेकंड बेस के सामने रुका तो मरा। तो इसके बाद ना मैंने आओ देखा ना ताओ, सिर्फ देखा अपना पाओ और निकल गया भाई यहाँ से। क्योंकि बात क्या थी ना, मुझे इतना पता था कि इनका आर्मर मेरे से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। पहली बात इन पे फुल डायमंड का आर्मर है, उसके बाद इनके तलवार पे भी शायद शार्पनेस 5 वगैरह कुछ लग रखा होगा, मेरे पे सिर्फ 1 था। तो इसीलिए मैं नहीं समझता कि यहाँ पे लड़ना सही था, इसलिए मैं चुपचाप से निकल जाता हूँ। यार निज भाई अब तो भाग गए यार, लड़ाई कर लेते यार। यार भाग गए निज के मर, लड़ना चाहिए था, मजा आता। मेरे को देखना था चैट में यार, मेरे को चैट में देखना था हमने इसके बाद सेन भाई सेन पाएंगे। मैं कब कर चैट में वेट कर रहा हूँ कब आएगा। मैं भी चैट में यही वेट कर रहा हूँ कब आएगा चैट में मैसेज। अरे वो मतलब मेरे को मिले, मेरे को मैं सामने से जा रहा हूँ ये आ रहे हैं, मैंने कहा अरे हेलो रिस भाई, वो भागने आप भागोगे आप और भाग रहे हो भाई 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 भाई, फिर तो हम लोग समझे में खेलने लायक ही नहीं है। और हाँ इस वाली क्लिप में आप देख ही रहे होंगे कि मेरे पास 9 दिल है क्योंकि एक बार मैं क्रीपर से मर गया था, शायद मुझे याद भी नहीं है लेकिन हाँ मैं मर गया था। ओके तो इसके कुछ देर बाद मैं अपनी गेम को ज्वाइन करता हूँ, और जैसे मैं गेम ज्वाइन करता हूँ मैं सीक्रेट बेस में जाता हूँ अपने। और आर यू सीरियस भाई, सब कुछ कैसे साफ कर सकता है कोई? भाई इस टाइम मैं लूट चुका था, मेरे इतने दिनों की मेहनत सब गई, कुछ भी नहीं रहा है, एक एक ब्लॉक तक उन्होंने तोड़ दिया। एन्चांटमेंट टेबल से लेके बुक शेल्फ से लेके मैंने सुगर के नुगाए थे वो तक नहीं छोड़े हैं। अभी मेरे पास बस उतना ही था जितना मेरी मेंट्री में था, तो मैं बहुत ज़्यादा गरीब था, ये सब आप सोच रहे होंगे लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं भाई। तो थोड़ा सा मैं फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, तो चलते हैं जब सेनपाई भाई मेरे बेस पे आए थे उसके बाद मैं भाग गया था, और उसके बाद मैं फिर से वापस आता हूँ। दीपू भाई हेलो। अरे वो हमारे बेस पे आ चुके थे, वो बेस वाले विलेज पे आ चुके थे, जल्दी से गेम पे आओ, अपना आर्मर पहनो, चेस्ट में रखा हुआ है। अभी शायद बेस में ही होंगे। तो नहीं है, मैं बेस में हूँ अपने। वो चले गए क्या? हाँ वो चले गए, उसको लेके जल्दी आओ, जल्दी आओ, कभी भी आ सकते हैं, उन्हें शक होगा। अगर कहाँ पे हो आप? वो ज्वाइन हो रहे हैं। आ नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, जल्दी आओ, पहनो इसे जल्दी से, और अपना जितना भी इम्पोर्टेंट सामान है लेके यहाँ से निकलो अभी के अभी। ओके तो इस तरीके से हमारा पूरा पूरा इंपॉर्टेंट सामान बच जाता है, और उसके बाद हम निकल जाते हैं बहुत दूर यहाँ पे कि मैं विलेज ढूंढते हैं। और हमारा जो तरीका था पावरफुल बनने का वो बिल्कुल गलत था, लेकिन अब मैं समझ चुका था, और आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से आप किसी एसएमपी में या फिर ऐसे भी सिंगल प्लेयर में जल्दी से नेदराइट कार्मर ले सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक विलेज ढूंढना होगा जो कि हमने किया, उसके बाद आपको वहां पे एक फ्लेचर बनाना है, एक बंदे को जॉब देनी है फ्लेचर की, क्योंकि वो आपसे ट्रेड करेगा लकड़ियां, लकड़ियों के बदले आपको एमरल्ड मिलेगी। तो वही काम मैं करता हूं, उसके बाद मैं बहुत 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 सारे पेड़ काटता हूं,
और हाँ, कुछ फ्लेचर से बच के भी रहिएगा क्योंकि कुछ फ्लेचर्स को होता है लेफ्ट रोग। इसमें होता क्या है कि अगर आप उसकी ट्रेड खोलने के लिए क्लिक करोगे तो आपकी गेम लेफ्ट हो जाएगी, जो कि मेरे साथ हो रहा था। और इसका एक इलाज भी है जो कि है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको क्या करना है ये तो मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको उसे अकेले में लेके जाना है, और जी हाँ, अकेले में लेके जाना जरूरी है वरना साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हो गए थे। और हाँ, ये वाला ट्रीटमेंट अपने बल्ड में यूज ना करें क्योंकि इसने मेरा बहुत ज्यादा दिमाग खराब किया था, इसलिए मैंने ये किया था। और इसके बाद मुझे लगता है उस विलेजर का घातक श्राप, और मैं बस कुछ नहीं कर रहा था, एन्चेंटमेंट करने के लिए मैंने अपना आर्मर खोला और गलती से गोलम को लग जाता है शॉट। और अब मैं गोलम को नहीं छोड़ने वाला था, मुझे मेरा हार्ट वापिस चाहिए, जो कि नहीं मिलता है। ऐसे टेक्निकली यार इसने मारा तो इसको मिला होगा, तो उसके बाद मैंने इसको मारा तो मुझे मिलना चाहिए था, लेकिन हाँ छोड़ो परे। ओए इधर देख, ओए मुझे दूध देगा या नहीं देगा, लास्ट बार कह रही हूँ। मारो मत उसे, मैं पिला दूँ। ओके, तो मैं इससे प्रोटेक्शन की मुख मांग रहा था, लेकिन ये देने को तैयार ही था। और प्रोटेक्शन मुझे कहाँ डालनी थी, आर्मर पे डालनी थी, बस सीधी बात है। और एक इम्पोर्टेंट बात तो बताना भूल ही गया कि अभी कुछ दिनों में एंड के दरवाजे सबके लिए खुलने वाले थे, और वहाँ पे फाइट होने वाली थी एंड ड्रैगन के अंडे के लिए, जो कि एक बंदे को रिस्पॉन भी कर सकता है और वो ऊपर से रेस्ट आइटम भी है। तो इसीलिए सारे के सारे लड़ना चाहते थे, उसके लिए तो सबको पावरफुल भी होना पड़ेगा, ऐसे मरना कोई नहीं चाहेगा। ओके, तो अभी हमारी ग्रोथ में थोड़ी बहुत तो इंप्रूवमेंट हुई थी, लेकिन उतनी भी नहीं हुई थी। फ्लेचर काफ़ी अच्छा काम कर रहा था, लेकिन सिर्फ फ्लेचर से काम नहीं चलता है, आपको साथ में कोई और भी रखना चाहिए। इसलिए हम भी डिसाइड करते हैं कि भाई शुगर केन भी क्यों ना बेचा जाए। तो हमने धीरे धीरे करके एक बड़ा सा शुगर केन का फार्म बनाया, उसके बाद हमने वहाँ पर शुगर केन उगाए। उसके बाद मुझे सामने दिखती है सैंड, और ये भी काफी अच्छा वे है एमरल्ड कमाने का। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, उसे स्मेल्ट करके उसे पतला वाला ग्लास बनाना है, और उसे आप कार्टोग्राफर को इजीली सेकंड लेवल का करके बेच सकते हो, सिंपल एकदम। तो या इससे बहुत फास्टली हम और ज्यादा एमरल्ड गेन कर सकते थे। और साथ में एक और चीज जो इंपॉर्टेंट रहती है, जो कि एक्सी पाम, वो भी हमने बना लिया था छोटा मोटा सा। ओके, तो फाइनली अभी हो चुका है हम दोनों पे फुल प्रोटेक्शन 4 और मेंडिंग रह गई ना आपके आर्मर को लगाने। अरे ठीक है, लगाते हैं, चलो। ऐसे सिर्फ मेंडिंग नहीं, नेदरराइट करना भी रह गया था, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं उसे लगा लूंगा, उसकी कोई चिंता नहीं है। तो बाय बाय, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, और लाइक कर देना इस वाले वीडियो पे। मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाने की कोशिश की है, मुझे नहीं पता मैं सिखा पाया फिर नहीं, लेकिन कोशिश मैंने जरूर की है। ठीक है, तो बाय बाय।